हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुयशा कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। सो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दो चीज़ों में डिफरेंस बताया था। वो दो चीज़ें क्या थी? एक थी कॉन्ग्रुएंसी और एक थी सिमिलैरिटी। मैंने आपको कल ये बताया था कि अगर हमें किसी भी दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बताना हो तो हमें क्या क्या कंसीडर करना होता है। एक तो उनकी दोनों फिगर्स की क्या होनी चाहिए? शेप सेम होनी चाहिए। और उनका क्या होना चाहिए? साइज़ भी सेम होना चाहिए। और एक उनका एरिया भी सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब कहलाती हैं जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? ओवरलैप करते हैं। जैसे कि अगर एक फिगर ये है तो दूसरी फिगर क्या होनी चाहिए? बिल्कुल इसके ऊपर क्या करनी चाहिए? ओवरलैप करनी चाहिए। तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों फिगर्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन मैंने आपको सिमिलैरिटी में क्या बताया था? सिमिलैरिटी में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा फिगर्स अगर उनकी शेप सेम है तो वो क्या कहलाएंगी? सिमिलर कहलाएंगी, है ना। और इसके हमने एग्जांपल्स क्या क्या लिए थे सिमिलैरिटी के? सिमिलैरिटी के हमने एग्जांपल्स लिए थे ऑल सर्कल्स, सारे सर्कल, जितने भी सर्कल हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि उन सर्कल्स की शेप क्या है? सेम है। और क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे मैंने? और मैंने एग्जाम्पल दिए थे ऑल स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स क्यों सिमिलर हैं? चाहे उनकी साइड अनइक्वल हो या फिर इक्वल हो, तो वो सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब की शेप क्या है? सेम है। जैसे कि एक स्क्वायर हमारा ये है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारा स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या शेप है? स्क्वायर। इसकी क्या शेप है? स्क्वायर। तो दोनों की जब शेप सेम है तो ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। चाहे इनकी साइड्स, इसकी 3 है इसकी 6 है, इनकी साइड्स इक्वल नहीं हैं तो भी ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलैरिटी में हमें सिर्फ शेप देखनी होती है, लेकिन अगर बात हो कॉन्ग्रुएंसी की तो हम देखेंगे कि इनकी साइज़ भी सेम है या नहीं है। इसका साइज़ क्या है? 3 सेंटीमीटर। इसका साइज़ क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो जब साइज़ इनका सेम नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं करेंगे, इस चैप्टर में हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे। तो सिमिलैरिटी में हमें सिर्फ शेप देखनी होती है। तो हमने क्वेश्चन करते वक्त एक कंक्लूजन भी निकाला था कि कोई भी दो फिगर्स सिमिलर तब होंगी जब उनकी शेप सेम होंगी, और शेप सेम होंगी तो अल्टीमेटली उनके एंगल्स भी सेम होंगे। उनके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना कि कोई भी दो सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके एंगल्स क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। उनके एंगल्स क्या होंगे? हमेशा इक्वल। तो मतलब किन्हीं भी दो फिगर्स के अगर आपको सारे एंगल्स इक्वल हैं दिख रहे हैं तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके क्वेश्चन में ही था कल, क्या एग्जांपल था? वो एग्जांपल ये था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड क्या है? सेम है। और एक है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इसने पूछा था कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, या फिर ऑल आइसोसेल्स, दुनिया में जितने भी आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं, इन सब में से सिमिलर कौन कहलाएंगे? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं क्या वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, या फिर जो सारे आइसोसेल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे अटैम्प्ट किया था कि देखो
तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी एक्स एंगल, ये भी क्या हो जाएगा एक्स एंगल, ये भी क्या हो जाएगा एक्स एंगल। जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लेंगे तो 3x किसके आ जाएगा 180 के इक्वल और x किसके आ जाएगा 60 के इक्वल। मतलब कि हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 60 होता है, वो तो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो मतलब कि सारे जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं सबके एंगल क्या होंगे 60 60 60 60 60। तो अगर सबके एंगल सिमिलर हैं तो वो ट्रायंगल्स भी तो सिमिलर होंगे ना, क्योंकि हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो शेप और एक एंगल। शेप तो हमें इसकी पता है कि ट्रायंगल है, लेकिन हमें इसके एंगल्स भी पता लग गए हैं, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होंगे सिमिलर होंगे। अब हम बात करते हैं आइसोसेल्स की। आइसोसेल्स में ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लेकिन हमें इस एंगल के बारे में कुछ नहीं पता, तो ना ही हम ये एंगल निकाल सकते हैं ना ही हम इन दोनों एंगल के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। तो हमें एंगल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हम सिमिलैरिटी के बारे में भी नहीं बता सकते। तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज देयर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 60 डिग्री। तो अब हम इस चैप्टर में आगे क्या करेंगे, इस चैप्टर में हमें आगे करना है सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल्स में हम सिमिलैरिटी कैसे लगाएंगे, कि किसी भी दो ट्रायंगल को हम कैसे बताएंगे कि सिमिलर हैं या नहीं। हम सिर्फ शेप को कंसीडर नहीं कर सकते, इसमें हमें एंगल्स को भी साइड्स को भी कंसीडर करना है। वो कैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए दो थ्योरम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम उन दो थ्योरम्स को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या है, हमारी फर्स्ट थ्योरम है इफ़ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सबसे पहले इस थ्योरम की लैंग्वेज समझने से पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिगर से हम इसकी लैंग्वेज समझेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, एक ट्रायंगल की बात की है ना, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ही बना देते हैं। हमने बना दिया एक ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब इसने हमें क्या बोला है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सिर्फ अभी हम यहाँ तक रीड करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाएं, ये मैंने बना दी पैरेलल लाइन, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है हमारी ये बी सी लाइन के क्या है पैरेलल है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखो ये जो लाइन है ये इस लाइन को भी कट कर रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम हम क्या रख देते हैं डी, और ये इस लाइन को भी कट कर रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम ई। यहाँ तक हो गया हमारा डिस्टिंक्ट पॉइंट तक। अब आगे क्या कह रहा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कि ये पूरी लाइन, मैं कलर दूसरा चूज़ कर लेती हूँ, ये जो पूरी लाइन है हमारी ए बी, इसको डी ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। सिमिलरली ए सी ने ए सी को इस ई पॉइंट ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वो कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो ए ई और एक ई सी। इसने बोला है इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, रेशियो मतलब ए डी और इसका दूसरा पार्ट क्या है डी बी, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा ए ई रेशियो ई सी। मतलब हमें ये प्रूव करना है, दिस इज वी नीड टू प्रूव। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं, इफ़ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने जो डी ई साइड है वो किसके पैरेलल बनाई है बी सी के पैरेलल बना दी है, ठीक है। उसके बाद टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये ए बी लाइन को डी पॉइंट पे कट कर रही है और ए सी लाइन को ई पॉइंट पे कट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब कि ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये, यही तो मैंने लिखा है ना ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अब हमें ये प्रूव करना है, तो जब हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है।
तो बताओ हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन हमारे पास है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, है ना। ए बी सी एक ट्राइंगल है। उसके बाद हमें क्या गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है। डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हमें क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही दिया है, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो मतलब हमें दो चीज़ें गिवन है, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और एक बात हमें गिवन है, डी ई लाइन इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी एंड ए सी एट पॉइंट ई। इतनी चीज़ें क्या हैं हमें गिवन है। गिवन के बाद हमें प्रूव क्या करना है, गिवन के बाद हमें क्या लिखना है, टू प्रूव। प्रूव हमें क्या करना था, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। पर प्रूफ से पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। मैं फिर से आप लोग के लिए डायग्राम बना देती हूँ। ये देखो, ये हमारा कोई ट्रायंगल था, ए बी एंड सी, ये हमारी लाइन थी डी ई, जो कि इसके क्या थी, पैरेलल थी। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए हमें कई बार कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम देखो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, वी विल ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए ई। ओके, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। ठीक है, ए ई लिख लो या फिर ए सी लिख लो, क्योंकि ये दोनों के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। दूसरी कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, दूसरी कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, मैं रबड़ का साइज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, दिस विल बी बेटर, या ठीक है। तो दूसरी कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ई पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी के ऊपर, ई एन ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी और ए बी, क्योंकि ये दोनों के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, इससे भी मैं डॉटेड कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम जॉइन करेंगे डी सी को, डी सी को जॉइन करेंगे हम और बी ई को जॉइन करेंगे। बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन किया है हमने, मैं दोबारा भी बता दूंगी आप लोगों को। देखो इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। यस, अब देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया। सबसे पहली हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने डी एम परपेंडिकुलर डाला है ए ई के ऊपर। दूसरी हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने ई एन परपेंडिकुलर डाला है ए एन के ऊपर। तीसरी हमने कंस्ट्रक्शन की है, जॉइन डी सी, एंड चौथी हमने कंस्ट्रक्शन की है, जॉइन बी ई। बी ई को भी क्या कर दिया हमने, जॉइन कर दिया। अब उसके बाद हम ना स्टार्ट करेंगे प्रूफ। सो हम प्रूफ पे आते हैं। अब इसका प्रूफ बहुत इजी है, सेटअप कर देती हूँ फिर हम स्टार्ट करेंगे।
अच्छा, इतना मैं इसे रब कर रही हूँ, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना, आपने कई फॉर्मूले पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के, तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है मुझे वो बताओ। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल या तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से लगाते हो, वो हमें यहाँ अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो अब हम अपना क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए डी ई। कंस्ट्रक्शन को कर देती हूँ मैं रब। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ ए डी ई। एरिया ऑफ ए डी ई बताओ क्या होगा? मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? तो लिख दो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक बात देखो, अगर मैं बेस लूँ यहाँ पर ए डी, अगर मैं इस फिगर में बेस लूँ ए डी, तो बेस के ऊपर ही हाइट होनी चाहिए ना। इसके ऊपर हाइट कौन सी है? ये वाली जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ई एन। तो मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या लिया है मैंने, ए डी, फिगर में देखो ए डी, और हाइट क्या लिया है मैंने, ई एन, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ, मैं ए ई को भी तो हाइट ले सकती हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया था, है ना? तो मैं एक काम करती हूँ, और हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम ये भी लिख सकती हूँ मैं। तो ये हमारे दो तरीके से एरिया निकल सकते हैं ए डी ई के, हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, फिगर में देख के एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या होगा? इस फिगर में अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं दोबारा से फिगर आप लोगों के लिए बना देती हूँ, या फिर इसको मिनिमाइज़ कर देती हूँ। एक बार फिगर मैं आप लोगों के लिए दोबारा भी बना दूंगी, पर इसे क्या कर देती हूँ, मिनिमाइज़ कर देती हूँ। तो इधर देखो, मुझे निकालना है एरिया ऑफ बी डी ई। ये ट्रायंगल है आप लोगों का ए बी सी, यहाँ पे हमारे थे डी और ई। डी ई और बी सी हमारे क्या थे? पैरेलल थे। फिर हमने क्या की थी? कंस्ट्रक्शन की थी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की थी? हमने ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला था एन, और हमने ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला था। ये था हमारा एम और ये था हमारा एन, ठीक है। और हमने इनको और इनको क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि एरिया ऑफ बी डी ई निकालो। देखो वो ए ट्रायंगल है कहाँ पे सबसे पहले, तो ये देखो आप लोग, किसकी बात कर रही हूँ मैं, बी डी ई की, मतलब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा बी डी ई, इसके एरिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? तो मैं लगा देती हूँ एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है और हमारी हाइट क्या है? तो देखो, बेस तो हमारा क्या है, डी बी, डी बी इज़ अवर बेस। पर हाइट क्या लेंगे हम? हाइट हम क्या लेंगे, एन ई। हाइट हम क्या लेंगे, एन ई। इससे अगर मैं अलग से बनाऊं तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरा क्या है डी, ये मेरा क्या है बी, ये मेरा क्या है ई, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसका बेस क्या है, डी बी, पर इसकी हाइट क्या है?
हाइट को मैं क्या कह रही हूँ, एन ही बोल रही हूँ, बट आप तो बोलोगे ये तो ट्रायंगल के बाहर है, ये तो कुछ ऐसे है ना, फिगर में देखोगे तो ये तो कुछ ऐसे है। हाइट ट्रायंगल के बाहर कैसे हो सकती है? हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल। तो इस केस में क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या है डी बी, और हाइट हमारा क्या है ई एन। फिगर में देखो ई एन कहाँ पे है, ये रहा, और इस फिगर में कहाँ है, ये रहा, तो ये क्या हो गया हमारा ई एन। ठीक है, सिमिलरली मुझे एरिया निकालना है किस ट्रायंगल का, डी ई सी का। डी ई सी अब हमारा कहाँ पे है, देखो डी ई सी हमारा ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, डी ई सी। इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, देखो इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, ये है हमारा बेस, है ना, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और हमारी हाइट क्या हो जाएगी, डी एम। हमारी हाइट फिर से ट्रायंगल के बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसमें हाइट क्या होती है, बाहर होती है। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ, अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ डी ई सी, तो वो होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा ई सी, और हाइट क्या है हमारी डी एम। तो मतलब हमने तीन चीज़ निकाली है, एक तो एरिया ऑफ ए डी ई, वो हमने दो तरीक़ों से निकाला था यहाँ पर, है ना, एक हमने निकाला एरिया ऑफ बी डी ई, और एक हमने निकाला एरिया ऑफ डी ई सी। अब इसका हमें यूज़ कैसे करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करेंगे इसका यूज़। फिगर बना देती हूँ मैं एक बार फिर से, और अब मैं सिर्फ वैल्यूज़ अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कौन सी वैल्यू कैसे आई है। ए बी सी, ये थी हमारी डी ई, परपेंडिकुलर्स मैं अलग से बना देती हूँ, ये था हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर एम, ये था हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर एन, और इनको हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था। तो मैंने क्या निकाला था, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी मैंने दो तरीकों से निकाला था, कैसे, एक तो हाफ इंटू बेस मैंने क्या लिया था ए डी, और हाइट मैंने क्या ली थी ई एन। दूसरा हाफ इंटू बेस मैंने क्या लिया था ए ई, और हाइट मैंने क्या ली थी डी एम। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने निकाला था एरिया ऑफ, उसके बाद मैंने निकाला था एरिया ऑफ बी डी ई। एरिया ऑफ बी डी ई क्या था, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा बी डी, और हाइट हमारी क्या थी ई एन। उसके बाद एरिया क्या निकाला था मैंने, डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा ई सी, फिगर में देखो बेस क्या है ई सी, और हाइट क्या है डी एम। अब देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ डी, कौन सा ट्रायंगल था वो, डी ई सी। अब आप बोलोगे ये कैसे लिखा मैंने, देखो ऊपर वाला तो सेम है ना, ए डी ई और ए डी ई, नीचे वाला कैसे सेम हुआ। तो आप लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, कौन सी थ्योरम थी वो, ट्रायंगल्स इन द सेम पैरेलल एंड हैविंग द सेम बेस हैव इक्वल एरिया। मैं लिख देती हूँ,
क्या थ्योरम थी वो आप लोगों की? वो आप लोगों की थ्योरम थी ट्रायंगल्स इन द सेम पैरेलल एंड सेम बेस हैव इक्वल एरिया, है ना? तो सेम पैरेलल सेम बेस क्या है, मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। देखो ये रही आप लोगों की फिगर, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सेम पैरेलल है। और एक ट्रायंगल था मेरा ये, एक ट्रायंगल था मेरा ये, दूसरे कलर से ही हाईलाइट कर देती हूँ मैं। देखो एक ट्रायंगल था मेरा डी ई सी ये वाला, और एक ट्रायंगल था मेरा बी ई सी, ये एक सेम पैरेलल में है। और इनका बेस भी क्या है, डी ई क्या है, सेम है। तो इन दोनों का एरिया, ये वाला एरिया उस थ्योरम से इस वाले एरिया के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं कर सकती हूँ ना इक्वल पुट, इसीलिए मैंने क्या किया है, इक्वल पुट किया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सीधा वैल्यूज ही पुट करनी है। ए डी ई का एरिया क्या था बताओ, एरिया ऑफ ए डी ई हाफ इंटू ए डी इंटू, जब मैंने ए डी को बेस लिया था तो मैंने हाइट क्या ली थी, ई एन अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई क्या था, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। वीडियो को आप पीछे करके देख लेना, मैंने यही निकाला था। उसके बाद इसके सामने भी क्या था, देखो एरिया ऑफ ए डी ई, तो एरिया ऑफ ए डी पुट कर देती हूँ, लेकिन इस बार दूसरे वाला पुट करूँगी मैं, हाफ इंटू उसका बेस क्या था ए ई और हाइट क्या थी डी एम। नीचे किसका एरिया आना है, देखो नीचे आना है डी ई सी का, तो डी ई सी का पुट कर दो वैल्यू क्या थी, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, है ना। अब देखो हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, यहाँ पे भी हाफ से हाफ कट गया और डी एम से डी एम कट गया। तो बच क्या गया हमारे पास, देखो हमारे पास आ गया ए डी बाय बी डी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा और आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। So our next theorem is, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अब इस चीज़ का मतलब क्या है, पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं फिर इसकी लैंग्वेज समझते हैं। देखो क्या बोला इसने कि कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसने बोला है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब कोई भी लाइन, ये कोई भी लाइन है, अगर वो ट्रायंगल की दो साइड्स को जो कि ये साइड है और ये साइड है इक्वल रेशियो में बांटता है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम डी, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम ई। इसने क्या बोला है कि ये जो लाइन है ना डी ई, वो इस ट्रायंगल के दो साइड्स जो कि ए बी और ए सी हैं इनको इक्वल रेशियो में बांटता है। क्या गिवन है, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, कि ये जो लाइन है वो ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में बांट रहा है, मतलब ये क्या है हमें इस बार गिवन है। तो इसने बोला कि ये जो लाइन होगी ना ये हमेशा इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। मतलब कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो इसमें हमें प्रूव करना है, और पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना था वो इसमें क्या है, गिवन है। तो हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे, कि हम मान लेते हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, हम क्या मान लेते हैं, लेट लेट डी ई इज
नॉट पैरेलल टू बी सी, नहीं है, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से मान लिया। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ये कि अपनी तरफ से बी सी के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। जब डी ई पैरेलल नहीं है तो हमने कोई और लाइन बनानी जो पैरेलल है, क्योंकि हमने लेट ही किया है कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, तो हमने एक लाइन बना दी डी ई डैश जो पैरेलल है बी सी के। अब हमने नए पिछली थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर एक लाइन ट्रायंगल की दूसरे लाइन के पैरेलल है तो वो उसको क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो मतलब कि अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश बाय ई डैश सी बाय प्रीवियस थ्योरम, है ना। प्रीवियस थ्योरम में हमने यही तो पढ़ा था कि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है किसी ट्रायंगल में तो उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, देखो गिवन हमें ये है कि ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, ये तो हमें क्या है, गिवन है। तो देखो ए डी बाई डी बी इसके इक्वल है, ए डी बाई डी बी इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स ए ई डैश बाय ई डैश सी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। अब क्या ये पॉसिबल है कि ए ई डैश बाय ई डैश सी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, ये तो सिर्फ ए की केस में पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ ई डैश ही पॉइंट क्या हो, ई हो। मतलब कि जो हमने ई डैश नया पॉइंट लिया था वो कोई और पॉइंट नहीं, वो पुराना पॉइंट ही ई था। इसका मतलब डी ई डैश इज इक्वल्स टू डी ई, मतलब ये दोनों लाइन क्या हैं, एक ही हैं। हमने डी ई डैश पैरेलल बनाई थी और हमने लेट किया था कि डी ई पैरेलल नहीं है, मतलब हमारी एजम्पशन क्या थी, जो हमने सबसे पहले लेट किया था वो हमारी एजम्पशन क्या थी, गलत थी, तो हमने गलत लेट किया था। तो अगर डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ गलत है, तो सही चीज़ क्या है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। जब हम पहले किसी चीज़ को गलत लेट करते हैं और फिर वो लास्ट में गलत आता है, तो उस टाइप के जो हम थ्योरम को प्रूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ। देखो इसमें हमने क्या किया है, बेसिकली इसमें हमें दिया था कि कोई लाइन है डी ई, वो ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, फिर उसने हमें बोला कि प्रूव करो कि डी ई पैरेलल होगी बी सी के, हमने लेट कर लिया कि नहीं है, डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, तो हमने एक नई लाइन बनाई डी ई पैरेलल टू बी सी। हमने जब एक नई लाइन बनाई पैरेलल टू बी सी, तो अगर हम किसी ट्रायंगल में किसी तीसरी साइड के पैरेलल बनाते हैं किसी लाइन को पैरेलल, तो वो जो बची हुई दूसरी साइड होती हैं उनको क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो हमारा यही रेशियो आता, इफ़ डी ई, ये देखो इफ़ डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो हमारा ये रेशियो आता है डी ई बाय डी ई नहीं ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई डैश सी। ठीक है, मतलब कि ये हमारे दो, हमारे पास इक्वेशंस आ गए, दो इक्वेशंस के दोनों में हमारा एल एच एस क्या है, सेम है, तो हम आर एच एस को भी क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। हमने आर एच एस को भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। अगर हमारे आर एच एस सेम होंगे तो ये तो सिर्फ एक ही केस में होंगे, जब ई डैश पॉइंट ही क्या होगा, ई होगा। अगर हमारा ई डैश पॉइंट ही ई है तो मतलब जो हमारी लाइन ई डैश डी डैश डी डैश नहीं डी ई डैश थी, वही हमारी क्या थी, डी ई थी। मतलब कि हमने डी ई डैश को पैरेलल बताया था बी सी के, मतलब डी ई ही पैरेलल है बी सी के। इसका मतलब हमने जो सबसे पहले लेट किया था कि डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, वो हमारी एजप्शन क्या थी, गलत थी। और अगर हमारी ये एजप्शन गलत थी तो सही क्या होगी, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये जो आज हमने दो थ्योरम सीखी हैं ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत एप्लीकेबल है, ये बहुत यूज़फुल थ्योरम है।
तो अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गई हैं तो आप इनको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आई हैं तो आप वीडियो को फिर से देखिए, फिर से समझिए, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2।